अयोध्या में 22 जनवरी को जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना हुआ है, वहीं जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सदर से विशाल वाहन रैली निकाली गई, जहां विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शहर की जनता से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिसमें भगवान श्री राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां भगवान श्री राम का 22 जनवरी को आगमन होने जा रहा है। इसलिए सभी मिलकर इस ऐतिहासिक दिन को लेकर अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दीप जलाएं, अपने आसपास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाकर विशेष साज सज्जा कर उस दिन रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए दीपावली मनाकर इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज जो वाहन रैली निकाल रहे हैं, क्या होते हैं? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जबलपुर महानगर द्वारा सदर से जो विशाल वाहन रैली निकल गई है, उसका उद्देश्य जो है आम जनमानस को जागरण के लिए, तो 22 तारीख को राम जन्मभूमि की जो रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके तारतम्य में यह वाहन रैली का आयोजन बजरंग दल महानगर द्वारा किया जा रहा है। यह रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समाप्त होगी। इस रैली का मात्र यही उद्देश्य है कि 22 तारीख तक अपने घर में जो लोग अयोध्या जी नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने ही घर, मोहल्ला, परिवार, जिले को, कस्बे को राममय, अयोध्यामय बनाएं। अपने घर में कम से कम 11 दीपक घी के जलाएं। 22 तारीख की शाम को दिन में सुंदरकांड का पाठ करें, मंदिरों में सभी प्रकार की आरतियां करें और भक्त राममय अपना वातावरण निर्मित करें। इसी उद्देश्य को लेके बजरंग दल जबलपुर महानगर द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है। मैं यतीन्द्र उपाध्याय, विभाग सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जबलपुर। हेलो, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद